बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सऊदीयत से लाइव पंजाब के साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि भाई तमाम तर परदेसी भाई खासकर जो यहां पर सऊदी अरेबिया में मुकीम है, चाहे आप बांग्लादेशी हैं, चाहे आप इंडियन हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, आप सब भाइयों को इसके मुतालिक पहले से ही इल्म है जी। मैं फिर भी आप भाइयों के लिए ये एक न्यूज आई है, एक वीडियो है, वो आप भाइयों के साथ यहाँ पर वीडियो भी शेयर करता हूँ और इसके मुतालिक आप भाइयों को मजीद आगाही दे देता हूँ। बाकी आप भाई इसके मुतालिक भाई पहले से जानते हैं सब कुछ, मुझे पता है तमाम तरह गैर मुल्की हम यहाँ पर इसके मुतालिक बहुत अच्छे से जानेंगे। यानी कि कोई भी सऊदी अगर आपके पास खड़ा हो जाता है आके, कोई सऊदी है, कोई खारजी है, कोई भी बंदा, वो आपसे अगर किसी भी किसी किस्म की बात करता है, यानी कि वो बोलता है जी मैंने 100 रियाल है, 1000 रियाल है, 10000 रियाल है, 1 लाख रियाल है, सॉरी मैंने ये भाई चंदा देना है किसी को, आपके कोई नजदीक है, कोई तंजीम दाइश है, कोई तालिबान की तंजीम है, मैं उनको देना चाहता हूं, आपने अगर बोल दिया जी मुझे पता है, तो बस भाई आप फिर गायब हैं, आपका पता ही नहीं चलेगा यहां पर मुकीम अफराद को भी और जो आपको जानने वाले हैं और जो पीछे बैठे हुए हैं पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश में उनको भी। सॉरी यार, ये आप अपने जहन में रखिएगा। आप सब भाइयों को पता है जी इसके मतलब ये एक शहरी है जी, हम गैर मुल्कियों की बात ही अलग है, ये एक सऊदी शहरी है, इसे ताइफ के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। यहां पर उसकी वीडियो में मैं आपको चलाकर दिखा रखा हूं, इस बंदे ने जहां पर ये मुकीम था वहां के मुकीम अफराद को कुछ इश्तेआल अंगेज गुफ्तगू की है उनके साथ, यानी कि कुछ ऐसी ही गुफ्तगू की है, या तो सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है, या किसी आर्मी के खिलाफ बोला है, या किसी दाइश वगैरह या किसी तंजीम वगैरह के मुतालिक बात की है। आप भाइयों को पता है अभी कुछ वाकयात पेश आए हैं, जैसे कि हरम शरीफ में 2 वाकयात पेश आ चुके हैं, उसके बाद इस बंदे की गुफ्तगू को लेकर जब इसकी वीडियो भाई वायरल हुई है तो इसे भी उठा लिया गया है। तमाम तरह परदेसी भाई ख्याल कीजिएगा, कोई भी ऐसी किसी किस्म की बात, खासकर अगर आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर अकाउंट भी हैं, टिकटॉक वगैरह के ऊपर भी, तो उनके ऊपर भी कोई भी किसी किस्म की ऐसी बात मत कीजिएगा भाई, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बन सकती है। बाकी सऊदी अरेबिया के मुतालिक आपने कोई भी और न्यूज जानी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इस न्यूज के मुतालिक अगर आपके पास कोई इल्म हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।